नमस्कार, आप देख रहे हैं सुगर टाइम्स और मैं आपके साथ भारती दुबे। तो चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। गोपालगंज, बेतिया समेत 5 जिलों में तेज बारिश, 19 जिलों में अलर्ट। आज से पूरे प्रदेश में एक्टिव हुआ मॉनसून, 8 जिलों में बिजली गिरने से 9 मौतें। अलीगढ़ में सड़क हादसे में 3 की हुई मौत। खैर में अनियंत्रित कार ने बाइक सवारों को रौंदा, बुलंदशहर और नोएडा के हैं मृतक। सीबीआई ने तिहाड़ में केजरीवाल से पूछताछ की, आज ट्रायल कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तारी संभव। ईडी केस में पहले से जेल में बंद। कैंसर से बचाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन, डॉक्टर ने साइनस कैंसर के लक्षण बताए, दी इलाज की जानकारी। झांसी में दुल्हन की हत्या, 150 किलोमीटर दूर किया सुसाइड। मुरैना की धर्मशाला में लड़की मिली प्रेमी की बॉडी, तमंचा गायब। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, हाई कोर्ट ने कल बेल देने से इनकार किया था, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला पलटा। हरियाणा के 8 जिलों में बारिश, चंडीगढ़ पंजाब में 13 जगह हीटवेव चलेगी। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर तूफान, 30 जून तक मॉनसून आएगा। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूला, 5 बोनस अंक हटाकर सीईटी का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया, 23,000 नियुक्तियां अधर में। मुंबई सेंट्रल अमृतसर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, रेवाड़ी रोहतक होकर जाएगी। रेलवे बोर्ड ने गर्मी को देखते हुए लिया फैसला। लुधियाना में हीटवेव से मिलेगी राहत, 27 से शुरू होगी बारिश, हवा में बढ़ेगी नमी। किसानों को मूंग की फसल संभालने की सलाह। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुपर टाइम्स के साथ। नमस्कार।